हेलो फ्रेंड्स, हिमांशु मोटर राइडर चैनल के अंदर आपका स्वागत है। और आज हम आपके सामने लेके आए हैं होंडा साइन, जो कि 98 सीसी के इंजन के साथ अपने को कंपनी ने दिया है। तो उसी चीज के बारे में आपको बताने वाले हैं, इसके कलर, मॉडल, प्राइस, माइलेज, पिकअप, हर चीज के बारे में आपसे बात करने वाले हैं। और उसी के साथ साथ बात ये भी करेंगे कि कौन सी लेना बेस्ट है और इसके कंपैरिजन में कौन कौन सी बाइक अपने को मिल जाती है। तो ये अपने पास आज व्हीकल है जिसके अंदर आपको सारी डिटेल देंगे। तो उससे पहले अपन बात कर लेते हैं इसके इंजन की। तो इसके अंदर अपने को 98 सीसी का इंजन मिलता है, जो कि कंपनी 100 सीसी के नाम से बेच रही है। साइन का ये नया लॉन्च है जो कि 100 सीसी इंजन के साथ में मिलता है। बाकी साइन अपनी एक ये भी आती है जो 125 सीसी के साथ में आती है, और इसके अलावा 125 सीसी की साइन अपने को एक इसी लुक में और मिल जाती है। तो बात करें फर्स्ट में इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, तो कुछ इस प्रकार का अपने को एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है। तो मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ। की बात करें तो इस प्रकार की अपने को की मिलती है होंडा की ब्रांडिंग के साथ में। तो ये अपना की लॉक हो गया, ये अपना स्पीडोमीटर, और यहाँ पर मिल जाता है अपने को ऑडोमीटर। ट्रिप वगैरह का इसमें कोई ऑप्शन अपने को नहीं मिलता है। उसी के अलावा बात करें तो ये अपना फ्यूल, ये न्यूट्रल के लिए, ये अपनी इंजन लाइट, ये इंडिकेटर और ये हेडलाइट के लिए लाइट दी गई है। यहाँ पर अपने को होंडा की ब्रांडिंग मिल जाती है। उसके अलावा क्लच वगैरह की बात करें तो काफी लाइट इसका क्लच दिया हुआ है, बिल्कुल लाइट, अपनी डीलक्स स्प्लेंडर सबसे ज्यादा लाइट मेरे को ये क्लच लग रहा है। उसके अलावा ये अपना हाई बीम लो बीम के लिए हो गया, ये अपना इंडिकेटर के लिए हो गया, ये अपना हॉर्न हो गया। मैं आपको एक बार इस प्रकार का कुछ हॉर्न मिल जाता है। यहाँ पर अपने को सल्फ का बटन मिल जाता है, ये अपना फ्रंट ब्रेक मिल जाता है। और बात करें फ्यूल टैंक की, तो इस डिजाइन के अंदर अपने को फ्यूल टैंक मिल जाता है, जो कि 9 लीटर का अपने को फ्यूल टैंक मिलता है। फ्यूल टैंक कैप की बात करें तो इस प्रकार की अपने को मिलती है। मैं एक बार ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। तो फुल्ली ओपन ये हो जाती है अपना फ्यूल टैंक, और इस प्रकार से ये लॉक हो जाता है। उसके अलावा बात करें साइड मिरर की, तो अपने को यहाँ पर ये साइड मिरर मिल जाते हैं ड्यूअल टोन के अंदर। यहाँ पर कुछ डॉट डॉट वगैरह है और ये बिल्कुल फ्लैट मिलता है। बात करें फ्रंट हेडलाइट की, तो इस प्रकार के अपने को हेडलाइट मिल जाती है नॉर्मल हैलोजन बल्ब के साथ में। तो ये गाड़ी ऑन होने पर ये हेडलाइट ऑन हो जाती है। तो नॉर्मल हैलोजन बल्ब के साथ में अपने को ये लाइट मिल जाती है। डीआरएल वगैरह कोई ऑप्शन इसमें अपने को नहीं मिलता है। बात करें इंडिकेटर की, तो ग्लॉसी ब्लैक के अंदर अपने को इंडिकेटर मिल जाते हैं बल्ब के साथ में। ऑरेंज कलर की अपने को ग्लास मिलता है। यहाँ पर अपनी नंबर प्लेट हो गई, ये अपने सस्पेंशन हो गए जो कि टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलते हैं। फ्रंट अमर गार्ड कुछ इस प्रकार का मिलता है, मैट फिनिशिंग के अंदर अपने को ये मिलता है, स्क्रैच लेस वाली ये इसमें फिनिशिंग दी हुई है। यहाँ पर अपना रिफ्लेक्टर हो गया, ये अपना फ्रंट टायर। टायर में अपने ब्रेकिंग की बात करेंगे तो इसमें अपने को ड्रम ब्रेक का ऑप्शन मिलता है, डिस्क ब्रेक का कोई ऑप्शन नहीं मिलता। बाकी कॉम्बो ब्रेक भी इसमें मिल जाते हैं, MRF के टायर मिल जाते हैं। टायर प्रोफाइल की बात करेंगे तो 275/17 का टायर अपने को मिल जाता है, सेम अपने डीलक्स और अपना स्प्लेंडर वाला। तो CBS ब्रेकिंग सिस्टम का ऑप्शन इसमें अपने को मिलता है। फ्रंट के अंदर 130 और रियर के अंदर अपने को 110 mm का डिस्क ब्रेक मिल जाता है। बाकी बात करें इंजन की, तो ये अपने को 98.98 सीसी का इसमें BS6 सेकंड फेस एयर कूल्ड 4 गियर के साथ में इंजन मिल जाता है, जो कि अपने को लगभग 55 से 60 तक की माइलेज अपने को दे देती है आसानी से। बाकी इंजन के ऊपर अपने को होंडा की ब्रांडिंग मिल जाती है, साइड गार्ड मिल जाता है, यहाँ पर ये हॉर्न हो गया, ये अपना गियर सिस्टम हो गया। गियर सिस्टम अपने को वही मिलता है जो इस सेगमेंट की बाकी गाड़ियों में मिला करता है। बात कर ले एक बार ग्राफिक की, तो कुछ इस प्रकार का यहाँ पर ग्राफिक मिल जाता है। ये ब्लैक कलर के अंदर गोल्डन और सिल्वर फिनिशिंग दे रखी है। तो यहाँ से लेकर यहाँ पर होंडा की ब्रांडिंग, ये अपना ग्राफिक हो गया, यहाँ पर साइन की ब्रांडिंग, और पीछे तक अपने को सेम ग्राफिक मिल जाता है। बात करें चैन कवर की, तो फुल्ली पैक्ड अपने को प्लास्टिक क्वालिटी के अंदर अपने को चैन कवर इसका मिल जाता है। बाकी फुटरेस्ट की बात करें तो फ्रंट वाले अपने को फिक्स मिलते हैं, रियर वाले अपने को एडजस्टेबल मिलते हैं, और साइड स्टैंड अपने को सेंसर के साथ में मिल जाता है। इसी के साथ साथ अपने को मेन स्टैंड में मिल जाता है। उसके अलावा बात करें सीट की, तो काफी बड़ी अपने को सीट इसमें मिल जाती है। उसी के साथ साथ ये टैंक हो गया, E20 इंजन के साथ में अपने को यह गाड़ी मिलती है। बात करें सस्पेंशन की, तो रियर के अंदर अपने को ड्यूअल रियर शॉक एब्जॉर्वर सस्पेंशन अपने को मिल जाते हैं, जो कि एडजस्टेबल सस्पेंशन ही है ये। उसके साथ साथ रियर फुटरेस्ट अपने को एडजस्टेबल मिल जाते हैं, ये अपना लेडीज गार्ड हो गया। बात करें रियर टायर की, तो 317 का अपने को रियर टायर मिल जाता है, जो कि अपने को ट्यूबलेस टायर मिलता है। रियर लुक की बात करें तो यहाँ पर अपने को एक रियर में हैंडल मिल जाता है जो कि सिल्वर कलर का मिलता है, काफी अच्छी फिनिशिंग के साथ में। यहाँ पर होंडा की ब्रांडिंग मिल जाती है, ये अपनी टेल लाइट हो गई, ये अपने इंडिकेटर्स वगैरह हो गए। यहाँ पर नंबर प्लेट के लिए जगह मिल जाती है और काफी अच्छी यहाँ पर ये फिनिशिंग दे रखी है। बात करें साइलेंसर की, तो मैट ब्लैक के अंदर अपने को सिल्वर कलर में ये मिल जाता है। यहाँ पर अपने को ESP की ब्रांडिंग मिल जाती है और ये अपने फुटरेस्ट वगैरह। रियर
ब्रेक की बात करें तो 110 mm का अपने को इसमें ड्रम ब्रेक मिल जाता है, और बात करें अपने एलॉय व्हील की तो अपने को 5 स्पोक एलॉय व्हील मिल जाता है। इसके अंदर अपने को सेल्फ एंड किक दोनों का ऑप्शन मिल जाता है, और कुछ इस प्रकार का इंजन अपने को देखने को मिलता है। और यहाँ पर अपने को एक छोटी सी क्रोम की डिजाइन मिल जाती है। ये अपना रियर ब्रेक हो गया। अब मैं आपको एक बार गाड़ी ऑन करके दिखा देता हूँ कि कैसी क्या साउंड अपने को देखने को मिलती है। इसी के साथ साथ मैं धन्यवाद करना चाहूंगा आरडी होंडा चौमू जयपुर, जिन्होंने मेरे को ये गाड़ी का रिव्यू करने के लिए गाड़ी प्रोवाइड की है। बात कर ले साइड स्टैंड की, तो साइड स्टैंड अपने को कट ऑफ सेंसर के साथ में मिल जाता है। जैसे गाड़ी साइड स्टैंड पर रहेगी तो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन गियर में डालते गाड़ी ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगी। तो ये काफी अच्छा सिस्टम कंपनी ने दे रखा है सेफ्टी के लिए। बात करें कलर की, तो अपने को एक ये ब्लैक के अंदर गोल्डन कलर मिल जाता है। उसके अलावा एक कलर अपने को ये मिल जाता है जो कि कुछ ग्रे और सिल्वर कलर का अपने को मिलता है। उसके अलावा बात करें तो ब्लैक के अंदर अपने को सिल्वर प्लस रेड मिल जाता है, ब्लैक के अंदर अपने को सिल्वर प्लस ब्लू मिल जाता है, और ये अपने चार कलर हैं जो कि अपने को कंपनी में मिल जाते हैं। बात करें गाड़ी की एक शोरूम प्राइस की, तो 62,900 रुपये अपने को ये एक शोरूम मिलती है। और ऑन रोड की बात करें तो लगभग गाड़ी ये 72,000 रुपये मिलती है जयपुर राजस्थान के अंदर। तो ये हमारी आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो भी एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें। बात करें इनके कंपेयर में कौन कौन सी गाड़ी अपने को मिलती है, तो ये 100 cc की बाइक है। इसके कंपेयर में अपने बजाज में जाएं तो अपने को सिटी मिल जाती है, सिटी 110 जो कि 115 cc की आती है। उसके अलावा बजाज प्लेटिना मिल जाती है जो कि 100 और 110 cc में आती है। उसके अलावा हीरो के अंदर अपने को मिल जाती है अपनी HF डीलक्स और स्प्लेंडर। उसके अलावा TVS में जाएं तो TVS में अपने को गाड़ी मिल जाती है अपनी स्पोर्ट्स। लेकिन इस गाड़ी के अंदर जो एक सबसे बेस्ट फीचर दिया गया है कि ये साइड स्टैंड वाला ऑटो कट वाला, तो ये अपने को कहीं पर भी नहीं मिलेगा। और ये जो प्राइस मैंने बताई है 72,000 रुपये, ये भी आपको इतनी सस्ती गाड़ी नहीं मिलने वाली है। तो अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।